हेलो स्टूडेंट्स, डाउट एट चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 13.1 को करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बना जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक जो पासा होता है, पासा वो घन के आकार का होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगी। एक दूसरा घन और है इसी आकार का, इन दोनों को मिलाकर के एक बड़ी आकृति बनाई जाती है। इसके जो संलग्न फलक हैं, ये फलक और ये फलक, इस फलक को और इस फलक को आपस में मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, तो वो जो बनेगा वो बनेगा एक घनाभ। दो घनों को मिलाने से जो आकृति बनेगी वो एक घनाभ की आकृति बनेगी। इस तरह की आकृति बन जाएगी। दो घनों को मिलाने के बाद हमारे पास एक घनाभ की आकृति बनेगी। हमें दिया है घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर। हम भुजा मान लेते हैं ए, घन की भुजा मान ली हमने ए, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए हो जाएगी और ऊंचाई भी ए हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी भी ए और ए। घन के आयतन का सूत्र होता है ए का घन बराबर दे रखे हमें 64। यहाँ से हमारे पास ए का घन बराबर हो जाएगा, 64 को ले सकते हैं 4 का घन, क्योंकि 4 का घन होता है 64। यहाँ से हमारे पास ए का मान आ जाएगा 4। दोनों तरफ घनमूल करेंगे, घनमूल करने पर ये घन हट जाएगा, ए बराबर 4। हमारे पास घन की एक भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। अब इन दो घनों को मिलाकर के घनाभ बना गया है। जब इन दोनों घनों के इन फलकों को मिलाएंगे तो जो घनाभ बनेगा उसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी ए जमा ए, यानी कि 2a। ये कहें कि हम 4 × 2 = 8। देखो हमारे पास ये जो घनाभ बनेगा इसकी जो लंबाई आएगी, सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी। इन दोनों को साथ साथ मिलाएंगे तो सिर्फ बढ़ेगी लंबाई, ए जमा ए 2a। चौड़ाई है वो उतनी रहेगी और ऊंचाई भी उतनी रहेगी ए, सिर्फ लंबाई डबल हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई समान रहेगी। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब है इसका बाहर का पूरा क्षेत्रफल, इसके पृष्ठ का, इसकी जो सतह है, इसका बाहर का जो सतह है इसकी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब हमारे पास घनाभ की जो लंबाई है वो हो जाएगी 2a, 2 × a, ए हमारा है 4, तो 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। लंबाई को हमने मान लिया L, लंबाई L, चौड़ाई हमारी हो जाएगी B और ऊंचाई को हमने मान लिया H। अब घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB जमा BH जमा HL, जहां पर L है लंबाई, B है चौड़ाई, H है ऊंचाई। यहां से हमारे पास मान रखेंगे 2 × L, L हमारे पास है लंबाई 8, गुणा B चौड़ाई है 4, जमा B 4 × H, 4 जमा H × L, H है 4, L है 8, गुणा करेंगे 8 × 4 = 32, 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32, 2 × 32 और 16 = 48,
अड़तालीस और बत्तीस अस्सी, दो गुणा अस्सी 160। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में, हमारे पास सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दो घनों को मिलाकर के बनाया गया है। प्रश्न संख्या दो को करते हैं, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी पात्र की जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में बच्चों एक बर्तन दे रखा खोखले अर्धगोले के आकार का और उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। आकृति को बनाते हैं पहले, इस तरह से एक अर्धगोला है खोखला, जैसे कटोरा होता है उस शेप का है ये अर्धगोला, इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है, अर्धगोले का व्यास दे रखे हमें 14 सेंटीमीटर। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है 14 सेंटीमीटर, व्यास 14 है तो त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी यहां से लेकर के और यहां तक ये 7 सेंटीमीटर, इसी प्रकार ये त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो ये त्रिज्या हमारे पास 7, ये भी हमारे पास 7 हो जाएगी। इस पात्र की कुल लंबाई, अब यहां से लेकर के यहां तक की ये लंबाई, कुल लंबाई ये हमारे पास ये कुल लंबाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। बच्चों जब ये यहां से लेकर के यहां तक की 13 सेंटीमीटर है तो हम ये निकालेंगे H, यहां से लेकर के यहां तक H है बेलन की ऊंचाई, जो खोखला बेलन है उसकी ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी H, यहां से यहां तक की जब 13 है और ये है हमारे पास 7 तो H हो जाएगा हमारे पास 13 घटा 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमें इस पूरे बर्तन का क्षेत्रफल बताना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आंतरिक होता है अंदर का, इसके भीतर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, हमें दिया है यहां से हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी 7 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, यहां से हमारे पास खोखले बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 13 घटा 7 6 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है बर्तन का क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल बराबर होगा इस अर्धगोले का क्षेत्रफल जमा इसे बेलन का क्षेत्रफल, बराबर होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr² जमा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, आपको इन सवालों में सूत्र याद रखने पड़ेंगे, कोई भी सवाल करने से पहले आपको सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए
तभी आप सवाल को कर सकते हैं। तुरंतगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2π r² और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2π r h, क्योंकि बेलन यहाँ पर खोखला है, जिसका क्षेत्रफल होगा यहाँ पर पृष्ठीय 2π r h। यहाँ से हम 2π r को लेंगे कॉमन, बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा r जमा h। 2π r हमने बाहर ले लिया, मान रखेंगे 2 × π का मान दे रखा है 22/7। आर त्रिज्या हमारे पास है 7। अब देखिए यहां पर इस जो हमारे पास ऊपर जो बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या और इस नीचे वाले अर्धगोले की त्रिज्या दोनों क्या होंगी, समान होंगी। क्यों? क्योंकि ये इस अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर अध्यारोपित है, इसी आकार का है। जितना इस अर्धगोले का व्यास है इतना ही व्यास होगा इस बेलन का, इतना ही व्यास होगा इस बेलन का, जो बेलन के ऊपर जो वृत्ताकार भाग है उसका व्यास कितना होगा, जितना इस अर्धगोले का है। तो इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी 7। तो ये त्रिज्या भी हमारे पास होगी 7, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसके ऊपर रखा हुआ ही आकार का है। मान रखेंगे आर का मान 7 जमा h। h हमारे पास है बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 × 22 = 44 × 7 + 6 = 13 गुणा करेंगे, ₹572 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 3 है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, कोसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। प्रश्न संख्या 3 है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु के आकार का खिलौना है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर जो खिलौना है वो एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु को रख के बनाया गया है, नीचे एक अर्धगोला है उसके ऊपर एक शंकु है, और इस खिलौने की जो संपूर्ण पूरे की जो ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले आकृति बना लेते हैं। ये एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु है, इसी त्रिज्या का, इस अर्धगोले की त्रिज्या और उस शंकु की त्रिज्या है वो बराबर है, शंकु की और अर्धगोले की त्रिज्या बिल्कुल बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसके ऊपर हमने एक शंकु बना लिया इस तरह से, ये इस अर्धगोले की त्रिज्या और इस शंकु के आधार है जो इसकी त्रिज्या, दोनों क्या है, समान है, ये त्रिज्या हो जाएगी। ये त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की पूरे की ऊंचाई यहां से लेकर के और यहां तक, ये ऊंचाई, इसकी संपूर्ण ऊंचाई हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या होगी, ये भी कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। अब यहां से लेकर के और यहां तक की कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर,
तो हमें चाहिए ये ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई, इस शंकु की ऊंचाई, इसको हम मान लेते हैं h, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये h, ये हमारे पास हो जाएगी, ये पूरी हमारे पास है 15.5, इसमें से हम ये घटा देंगे 15.5, h हमारे पास हो जाएगी 15.5 घटा 3.5, 12 सेंटीमीटर। तो h हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हमारे पास r है 3.5 सेंटीमीटर। अब हम प्रश्न को करते हैं, हमें बताना है इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो हो जाएगा इस शंकु का क्षेत्रफल जमा इस अर्धगोले का क्षेत्रफल। हमें दिया है तीन दशमलव पाँच सेंटीमीटर, इस पूरे खिलौने की जो ऊंचाई है खिलौने की कुल ऊंचाई दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ से बच्चों हमारे पास h इस शंकु की ऊंचाई आ जाएगी 15.5 घटा 3.5 12 सेंटीमीटर, क्योंकि कुल लंबाई हमारे पास है 15.5 और ये है 3.5, ये बच जाएगी 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बराबर होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल जमा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले चाहिएगा L, जहाँ पर L होती है त्रिज्या ऊंचाई, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमें L चाहिएगा, और L का सूत्र होता है L बराबर होता है h की 2 जमा r की 2 वर्गमूल, ये L निकालने का सूत्र है, इसको आपने याद करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास L आ जाएगा h हमारे पास है 12 जमा r त्रिज्या हमारे पास है 3.5 इसका वर्ग और वर्गमूल। एल का मान निकालेंगे, एल हमारे पास हो जाएगा 12 का वर्ग 144 जमा 3.5 का वर्ग करना है आप बच्चों 35 का वर्ग कर लो, 35 का वर्ग होता है 1225, तो यहाँ पर 2 के बाद क्या जाएगा दशमलव, 12.25, देखिए यहाँ पर 35 गुना 35 आप करेंगे ये आपके पास आएगा 1225, दशमलव एक यहाँ पर एक यहाँ पर दशमलव एक और एक दो, दो के बाद है तो यहाँ लग जाएगा 12.25, इसका करेंगे हम वर्गमूल, ये हमारे पास जोड़ेंगे तो आ जाएगा 156.25। अब दशमलव का वर्गमूल निकालना कठिन है थोड़ा सा, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इजी मेथड क्या है, आप ही दशमलव को हटा दो यहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं 156.25 बटे दशमलव का एक रखते हैं, दो अंक है तो दो लग जाएंगी 0, हमने दशमलव को बदल दिया भिन्न में। अब हमें वर्गमूल निकालना है 15625 बटे 100 का, 15625 का वर्गमूल होता है 125 बटे 100 का वर्गमूल होगा 10, इसको भाग देंगे 12.5, तो हमारे पास बच्चों एल का मान आ जाएगा 12.5। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का।
ये हमारे पास हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वेयर जमा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का हो जाएगा पाई आर एल, क्योंकि हम निकाल रहे हैं बाहर का, ये सिर्फ ये बाहर बाहर का, अंदर का नहीं ले रहे, हम सिर्फ निकाल रहे हैं इसका बाहर का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पूरे का। तो 2 पाई आर स्क्वेयर जमा पाई आर एल, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे पाई और आर, पाई आर कॉमन आ जाएगा बाहर, 2 आर जमा अंदर बचेगा पाई आर, बाहर आ गया अंदर बचेगा एल, पाई का मान 22/7 गुणा आर, त्रिज्या हमारे पास है 3.5। गुणा 2 गुणा आर, आर है हमारे पास 3.5, जमा एल, एल हमारे पास है बार, जमा एल, एल है तिरेक ऊंचाई जो हमने निकाल ली 12.5। इसको हल करेंगे 22/7, 3.5 को लिख लेंगे 35/10, अंदर हमारे पास है 2 गुणा 3.5, ये आ जाएगा 7 जमा 12.5। आगे हल करेंगे 7 से काट देंगे इसको 5, 5 से काट देंगे इसको 2, 2 से इसको काट देंगे 11, बाहर हमारे पास आएगा 11, अंदर हमारे पास आएगा 12.5 जमा 7 19.5, गुणा कर देंगे ये हमारे पास आ जाएगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से बच्चों हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक घन है 7 सेंटीमीटर भुजा का, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? हमें पहले पार्ट में ये बताना है कि उस अर्धगोले का अधिक से अधिक व्यास क्या हो सकता है। बच्चों देखो, यहाँ पर घन के ऊपर एक ब्लॉक को रखा गया है, यहाँ पर बच्चों घन के ऊपर एक अर्धगोले को रखा गया है, तो अर्धगोले का जो आकार है वो उतना ही होगा जितना कि उसे घन का आकार है। घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर जो गोला रखा जाएगा उसका अधिकतम व्यास होगा उस घन की भुजा के बराबर, यानी अधिकतम व्यास गोले का हो सकता है 7 सेंटीमीटर। उससे कम हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें अधिकतम बताना है, ज़्यादा हम लेंगे, ज़्यादा लेंगे तो उसके ऊपर वो टिकेगा नहीं, उससे बाहर चला जाएगा। तो गोले का अधिकतम व्यास होगा 7 सेंटीमीटर, और इस प्रकार जो आकृति बनेगी हमें उस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ये बच्चों एक घन की आकृति है, इसकी भुजा दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। घन के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? बराबर। तो यहाँ पर ये हो जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ये भी, ये वाली भी और ये वाली भी, सब 7 सेंटीमीटर होंगी। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब अर्धगोला यहाँ पे रखा हुआ है, इसके ऊपर हमें इस तरह से बना लेते हैं उसको। एक अर्धगोला है वो इसके ऊपर रखा हुआ है, आप इसको ये समझें कि ये इसके ऊपर यहाँ पर है, आकृति में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर है, लेकिन ये अर्धगोला होता है वो आपको पता है कि गोल होता है, तो वो इसके ऊपर है। ये जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है हमें ऊपर का, इस पृष्ठ के ऊपर वो रखा गया है अर्धगोला। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि उस गोले का व्यास कितना हो सकता है अधिकतम, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। इस गोले का जो व्यास है वो यहाँ से लेकर के कहाँ तक है? यहाँ तक। छोटा हम ले नहीं सकते, अधिकतम बताना हमें। तो ये हमारे पास भुजा कितनी है? ये घन की भुजा हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, तो इस गोले का अधिकतम व्यास भी क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास,
बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है कि ये जो आकृति बनेगी, ये ठोस बनेगा, इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा। इसको हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों इसको इस तरह से समझो, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, इसको ऊपर का जो फलक है ये वाला हिस्सा बना लेता हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए। ये है ऊपर का ये वाला एरिया, ये इसके ऊपर गोला रखा गया है। इसके ऊपर हम अर्ध गोला रखेंगे तो कुछ एरिया है वो साइड में बच जाएगा। तो बच्चों यहाँ से इस पूरे ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा, समझना इसको, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा घन का क्षेत्रफल जमा, इस पूरे घन का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, जमा इस अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्योंकि इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। इस पृष्ठ को भी हमें लेना है साथ में, पूरे का बताना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें से हमें घटाएंगे, क्या घटेगा, हमने इस पूरे घन का क्षेत्रफल लिया है तो पूरे घन के अंदर ये भाग है पूरा भाग आएगा, और फिर लिया हमने अर्धगोले का, अब अर्धगोले का भी आएगा, तो ये जो कुछ भाग है जो इस गोले ने अर्धगोले ने ढक रखा है, ये भाग दो बार आ गया हमारे पास, एक बार तो आ गया इस पूरे घन के अंदर और एक बार ले लिया हमने अर्धगोले का। इस भाग में जिस भाग को इस अर्धगोले ने ढक रखा है वो भाग हमारे पास दो बार आ गया, तो हमें घटाना पड़ेगा, क्या घटेगा इसके अंदर से, वो भाग जो उस अर्धगोले से ढका हुआ है, अर्धगोला होता है उसका जो भाग होता है वो होता है वृत्ताकार, तो जो भाग इसे ढका हुआ है यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हमारा अर्धगोला होता है इस टाइप का, ये तो ये जो भाग है, ये जो वृत्ताकार भाग है ये उसके ऊपर टिका हुआ है घन के ऊपर, तो ये भाग घटाना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि ये एक भाग, ये हमारा भाग है जो, क्योंकि ये भाग इसके अंदर पहले आ चुका है, इसे जब हमने घन का लिया जब हमने, तो उसके अंदर ये भाग पहले आ चुका है और फिर ये अर्धगोले के अंदर भी आ गया, इसलिए हमें इसको घटाना पड़ेगा, इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 a² जमा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² घटाएगा ये वृत्त का क्षेत्रफल πr² 6 × a हमारे पास क्या हो जाए, a हमारे पास है इस घन की भुजा 7 सेंटीमीटर जमा 2πr² में से घट जाएगा πr², तो 1πr² बचेगा यहाँ पर, πr² हमारे पास है, त्रिज्या कितनी होगी देखो यहाँ से, ये अर्धगोला इसके ऊपर, इस अर्धगोले का व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 7/2, 7/2 इसका वर्ग। इसको समझना बच्चों, देखो मैं दोबारा से कर देता हूँ आगे इसको, 6a² जमा 2πr² घटा πr², यहाँ पर πr² दो बार है, यहाँ पर एक बार है, घटेगा तो हमारे पास बचेगा 1πr², तो वही किया मैंने, 6 × a हमारे पास है 7 जमा πr² 22/7 × r, यहाँ पर त्रिज्या है इस अर्धगोले की 7/2, क्योंकि अर्धगोले का व्यास हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी 7/2 सेंटीमीटर। हल करेंगे इसको, 6 × 7 = 49 जमा 22/7 × 7/2 का वर्ग है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये काट देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6 × 49
6 × 49 हो जाएगा 294 जमा, इसको हल करेंगे हमारे पास आएगा ऊपर 11 × 7 77/2, 2 लघुत्तम लेंगे 588 जमा 77। ये बच्चों यहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने, ये हमारे पास आएगा 665, 1365 की जगह आएगा 665, इसको 2 से भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 332.5। ये जोड़ गलत हो गया था हमारा, 588 जमा 77 ये आएगा 665/2, 2 से भाग करेंगे 332.5 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल।